हम बैक टू दिनेश सर आईटी और आज जो कोपा वालों का पेपर है 1 तारीख में, ठीक है ना। तो कुछ आवेदक आ रहे हैं, सभी से हम उनका रिव्यू लेते हैं, पूछते हैं कि आज कैसे पेपर आया, कैसे क्वेश्चन आया हुआ है, क्या पेपर नॉर्मल था कि मॉडरेट था, कैसा था। यहाँ पे बात कर लेते हैं, अभी आने वाले हैं, ठीक है। सभी यहाँ पे आना चालू हो गया सर। सर बहुत अच्छा गया सर, बहुत अच्छा गया। मतलब कैसे क्वेश्चन आए? अच्छे थे सर, थोड़े टफ भी थे। अच्छा, जावास्क्रिप्ट आया था कुछ? जावास्क्रिप्ट आए थे, पाइथन से? पाइथन से भी आए थे सर। कितने क्वेश्चन आए? पाइथन से शायद 5-6 आए थे। अभी कल के एग्जाम में पाइथन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, सब सर पाइथन आए थे। शॉर्टकट की आई थी क्या? शॉर्टकट की आई थी, सिर्फ 1-2 आई थी। शॉर्टकट की कॉपी करने सिंपल आई थी, कॉपी पेस्ट की आई थी। अच्छा, जीके बताइए, जीके जीएस में क्या आ रहा है करंट में? अभी सर जीके जीएस में आया, मैं भूल गई सर। अच्छा, कोई ओलंपिक कोई खेल संबंधित कुछ है, नाम खिलाड़ियों के? ओलंपिक तो नहीं आया सर, तो मुझे याद नहीं। अच्छा बताओ, एमएस वर्ड एक्सेल में कुछ? एमएस वर्ड से आया, एक्सेल से कुछ नहीं। एक्सेल से कुछ नहीं, पावर पॉइंट डाटाबेस? पावर पॉइंट आया, डाटाबेस से कुछ नहीं। डाटाबेस से कल क्वेश्चन बहुत सारे बने हुए सर, डाटाबेस से आज नहीं आया क्वेश्चन डाटाबेस से। आपका भी था क्या एग्जाम? मेरी बात हो रही है, एग्जाम था क्या आपका? कैसा गया सर पेपर? बढ़िया। कितने नंबर? मेरे 40 नंबर आए। पाइथन से कुछ क्वेश्चन आए थे आज के? पाइथन 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 नहीं नहीं, जावास्क्रिप्ट नहीं नहीं। कैसे क्वेश्चन पूछे गए? एक्सेल के बारे में, एक्सेल के शॉर्टकट, एमएस वर्ड, एमएस वर्ड था क्या? फुल फॉर्म नहीं, फुल फॉर्म नहीं, एक था बस। कौन सा था भाई? सीपीयू का फुल फॉर्म। ओके सर, थैंक यू। एग्जाम था आपका जी? कैसा गया एग्जाम? ठीक रहा। मतलब किस तरह क्वेश्चन पूछे गए? क्वेश्चन करंट के क्वेश्चन रहे, कुछ शॉर्टकट की रही। एमएस वर्ड में कुछ क्वेश्चन? जी, एमएस वर्ड से शॉर्टकट की पूछी गई है, जैसे कि अपर केस में अपर केस लोअर केस सेंट जी करना है तो कौन सी शॉर्टकट की रहेगी? कंट्रोल शिफ्ट प्लस से। एमएस एक्सेल में से? एमएस एक्सेल के क्वेश्चन एक दो रहे एमएस जी। अच्छा, जावास्क्रिप्ट पाइथन में से कुछ? जावास्क्रिप्ट से MySQL से ज्यादा क्वेश्चन थे, कल भी आए थे। अच्छा, एमएस डॉस से? एमएस जो डाटाबेस डॉस जी, डॉस से उसका डॉस और डाटाबेस से कल बहुत सारे आवेदक ने डॉस से केवल डी 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 का फुल फॉर्म बोला था। एमएस डॉस में डी का मतलब क्या है? डिस्क। यस, लिनक्स से कुछ आया था? लिनक्स से भी क्वेश्चन आए। अच्छा, आज पाइथन से कुछ बने क्या क्वेश्चन? पाइथन से एक दो क्वेश्चन बने, क्वेश्चन बिल्कुल कल में भी यही था कि अभी तक एक ही क्वेश्चन था। दूसरा बताओ मुझे, एमपीजी के में कुछ करंट के क्वेश्चन आए हैं? IOCL का चेयरमैन पूछा है, जो सतीश कुमार अभी प्रेजेंट में 1 सितंबर को बने हैं, वो पूछा है। और करंट का ऐसा क्वेश्चन, कुछ ओलंपिक खेल, कुछ खेल के खिलाड़ी? ओलंपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा। मैंने भी रिव्यू देखा था कि पैरा ओलंपिक से बहुत सारे क्वेश्चन कल क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चन तो मैंने वो पूरा रट लिया था किसने स्वर्ण, एक भी क्वेश्चन नहीं आया पैरा ओलंपिक से जी। नॉर्मल क्वेश्चन मैथ लीजिए कुछ नॉर्मल। मैथ्स का आया है, मैथ्स में एक टाइम एंड बर्थ से था, एक एज वाला क्वेश्चन। अनुपात आया क्या? अनुपात अनुपात से क्वेश्चन नहीं, कल था अनुपात से क्वेश्चन जी, आज टाइम एंड वर्क से आया और एज से रिलेटेड है। चलिए सर, ठीक है सर, थैंक्स। दिनेश सर, कैसा रहा एग्जाम? बेकार रहा। नंबर कितने यहाँ? 50 हो रहे हैं। अच्छा, मतलब कैसा, मतलब क्या आपने जो पढ़ा था वो नहीं आया क्या? नहीं, वो ही आए थे, लेकिन पेपर मॉडरेट था, किसी तक वो थोड़ा प्रेशर के कारण हो जाता है। अच्छा, एमएस एक्सेल पावर पॉइंट में कुछ आया क्या? हाँ, वर्ड से आए थे कुछ, वर्ड से आए थे। हाँ, राइट सबसे आ रहे हैं। शॉर्टकट की कुछ? शॉर्टकट की ये कॉपी कस्ट पेस्ट यही वाली सब शॉर्टकट थी। अच्छा, एमएस डाटाबेस से कुछ आया? डाटाबेस से भी सबसे आ रहा है ना, पूरे टॉपिक से। हाँ, पाइथन से कुछ बने होंगे? पाइथन से नहीं, पाइथन से नहीं आया कुछ, क्योंकि ये 2022 से पाइथन से बहुत क्वेश्चन आ गए। ठीक है सर। अच्छा, एमपीजी के कुछ बताइए? एमपीजी के में तो नॉर्मली आ रहा है, जीके ज्यादा टफ नहीं आ रहा है। नहीं। ओके मैम, थैंक यू। पेपर था तुम्हारा? पेपर तो कैसे क्वेश्चन आए? बढ़िया क्वेश्चन आया, लेकिन मतलब बुक में से नहीं आया, अपने ट्रेड बुक में से नहीं आया। तो किस में से आया फिर? एमएस वर्ड में कुछ आया क्या? आया ना एमएस वर्ड। एक्सेल में से कुछ? एक्सेल में से कुछ नहीं आया। नहीं आया। डाटाबेस में से कुछ? डाटाबेस में से भी आया। क्या आया डाटाबेस में? अब इतना ध्यान नहीं। अच्छा, उसमें बता, पाइथन लैंग्वेज, एचटीएमएल? नहीं 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 आया। नेटवर्किंग डिवाइस कुछ? नेट डिवाइस में से नहीं आया। पर क्या क्वेश्चन है? फुल फॉर्म बताओ या शॉर्ट कुछ? अपना सीपीयू का आया था। हां, प्रोसेसिंग यूनिट वाला। फुल फॉर्म आया सीपीयू का? हां। अच्छा, नंबर कितने तुम्हारे?
नंबर वो तमाम 28 नंबर 28 ठीक है। एग्जाम तक क्या नहीं आया हमारा बताइए ना एग्जाम तक क्या कितने क्वेश्चन आए बताइए कौन सा एमपीजी के एमपीजी के क्या है मैम एग्जाम तक क्या हैं है आपका एग्जाम कैसा रहा एग्जाम ले पेपर रिपेयर देना है अभी तो घूम रहा है हम लोग तो दे रहा है नहीं आप बताइए एग्जाम इसका बताइए नंबर कैसे था 49 अच्छा कैसा पेपर आया मॉडरेट था साला कैसा पेपर आया पूरा कंप्यूटर का ज्यादा था कंप्यूटर अच्छा पाइथन जावा में कुछ हां एक स्क्रिप्ट वगैरह पाइथन जावा शॉर्टकट फुल फॉर्म सबसे ज्यादा एमपीजीके में क्या आ रहा जीके नॉर्मल थी मान लो जिन आवेदन कल पेपर है दो दिन बाद तो वो अभी करंट में क्या पढ़ा हुआ है अभी करंट में तो शॉर्टकट ही पढ़े ज्यादातर एमपीजीके में कुछ एमपीजीके नॉर्मल है ज्यादा नहीं नॉर्मल है हां बाकी जॉब में स्क्रिप्ट पे ध्यान ज्यादा अच्छा क्रॉस में कुछ आया क्रॉस ला रहे इसका तो मेरे को तो थोड़ा ही बहुत आया ज्यादा हार्ड नहीं है आपका नंबर कितने सर मेरा 13 वो 49 49 थैंक्स एग्जाम तो आपका क्या हां क्या तो क्वेश्चन आए अब एग्जाम तो आपका नंबर क्या जाएगा नहीं नहीं पेपर का कठिन था ही तरह का क्या सर आप एग्जाम थे आपके क्या नहीं मेरा नहीं था भैया पता था एग्जाम था एग्जाम था आपका क्या एग्जाम था आपका क्या क्या सर एग्जाम ठीक ठाक केस नंबर कितने आए मेरा 68 सर पेपर कठिन था ही तरह का इजी था इजी था एमपीजी के में क्या है एमपीजी के में तो याद नहीं है अच्छा एमए डॉस 9x में कुछ नहीं नहीं लाने पाइथन में कुछ पाइथन का एक भी क्वेश्चन एक बार नेटवर्किंग सर हैं नेटवर्किंग में कुछ नेटवर्किंग में ओएसआई मॉडल वगैरह थे ओके सर पाइथन नंबर कितने आते हैं अरे बहुत कम है पेपर कैसा आया पेपर कहां जाओगे सर पेपर कैसा आया बढ़िया बढ़िया नंबर कितने मैम आपके आया होते मैडम 82 कितने मिनट होगी सारी क्या सर आता रहा एग्जाम कितने नंबर है नंबर कितने नंबर तुम्हारा नहीं है तुम्हारा एग्जाम पेपर ठीक था नॉर्मल था पेपर ना अच्छा जो बच्चे हैं तो कल आएंगे तो एमपीजी के बता कुछ लेटेस्ट क्या कुछ अपन जा रहा है अरे हमें याद है ओलंपिक्स में कुछ नहीं एग्जाम दे दिया ना अभी नहीं दिया देने वालों चलो अच्छा कौन गया आपका पेपर अच्छा था नंबर कैसे आया आपके 81 अच्छा मतलब पे क्वेश्चन कैसे पूछे गए एमएस वर्ड एक्सेल में से कुछ एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट और एमएस ऑफिस और साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर नेटवर्क पाइथन में कुछ आया था क्या नहीं आज कोई भी कोडिंग नहीं थी अच्छा नहीं नहीं एमएस डेटाबेस में से हाँ क्यों कल के पेपर में MySQL आया था वो भी थ्योरी बेस्ड था थ्योरी बेस्ड था अच्छा लेटेस्ट है कुछ करंट अफेयर्स में कुछ क्या पूछ रहे हैं चेयरमैन मैथ मैथ रीजनिंग कैसा आ रहा है अच्छा है मैथ लॉजिकली करना है मतलब फॉर्मूले की जरूरत नहीं है मैम आपका नंबर कितने 81 ओके मैम थैंक्स कैसा आ रहा है इसका अरे हाँ यार भाई नंबर कैसा है बताइए नंबर यार बहुत कम ही आ रहा है कितने नंबर हैं 62 सर कैसा रहा मतलब एमएस वर्ड में कुछ क्वेश्चन कैसे आया कुछ पता हो एमएस वर्ड का क्वेश्चन तो मतलब नॉर्मली थे क्वेश्चन शॉर्टकट की आया था कॉपी पेस्ट वगैरह पूछ रहे हैं शॉर्टकट भी एमएस वर्ड में और याद किया जाए पावर पॉइंट डेटाबेस पावर पॉइंट में स्लाइड का क्वेश्चन मतलब कि जैसे मतलब क्रम में स्लाइड को कैसे अपन दिखा सकते हैं वगैरह ऐसा कुछ था और नेटवर्किंग सर नेटवर्किंग में था अपना हैकिंग वगैरह का क्वेश्चन थे ओएसआई लेयर का क्वेश्चन था डिवाइस नेम DDL का था डिवाइस नेम का अच्छा पाइथन कुछ पाइथन का कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं था जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन थे साइबर सिक्योरिटी थी ठीक है क्या क्वेश्चन आया था साइबर सिक्योरिटी में यही थे मतलब हैकिंग वगैरह ही पूछा था उसमें से अच्छा एमपीजीके में कुछ लेटेस्ट एमपीजीके में दुर्बल क्या केंद्र पूछा था कहाँ पे है दुर्बल केंद्र वगैरह और बस एमपी का अच्छा जिन आवेदन कल है या दो दिन बाद है ठीक है ना कोपा ट्रेड का अनट्रेड का उनको लेटेस्ट में मतलब क्या कर पड़ती है अभी जीके में तो एमपी का एक आधी क्वेश्चन फंसेगा एमपी का बाकी तो मतलब ये बोल सकते हैं कि जो अपना 25 नंबर वाला है इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ये तो मतलब बना जाएगा नॉर्मल आ रहा है बाकी जो अपना ट्रेड का है वही पढ़े जैसे आज हमने प्रोग्राम बिल्कुल क्वेश्चन नहीं दिए जब भी नहीं ये क्वेश्चन कल भी थे प्रोग्राम में कोई भी क्वेश्चन नहीं भाई मत समय बर्बाद करना
उससे अच्छा तो तुम बर्ड पढ़ लो, बर्ड सही है, नेट बैंकिंग पढ़ो, नेट बैंकिंग। आपकी लेन आपकी लेन हाईएस्ट का नंबर? हाईएस्ट तो यार 85 नंबर बता रहा था एक बंदा, 85। अच्छा, बाकी अदल पे लोगों को? अदल लोगों के वहीं भैया 60-70 ही है। 60? आप कितने सर? मैं 62 है। ओके चलिए, आप कहाँ से सर? मैं छतरपुर से। ओके सर, थैंक्स। ओके ओके सर, करें तो देखिए आप लोगों ने देख लिया कि मैंने बहुत से आवेदनों का यहाँ पे रिव्यू लिया है, तो जो मुझे हाईएस्ट नंबर यहाँ पर देखने को मिले 85 नंबर बताए हुए हैं हाईएस्ट, बाकी सभी का 60 के आसपास नंबर हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये दात आपकी जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपकी बार, तो एमएस वर्ड एक्सेल से क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ पर पूछे गए फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों के। ठीक है, बाकी अब और भी जो नॉर्मल, तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन थी आज की, और फिर अपन नेक्स्ट आपको बताएंगे हम उसमें कैसे क्या अभी तक क्या नंबर आएंगे। ओके, आने वाला आपका। चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। वीडियो चला वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स।